हेलो एवरीवन, दिस साइड कमल किशोर सैनी एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ UP। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो यार इसके रिगार्डिंग ना बहुत सारी क्वारी जा रही है एंड बिकॉज दिस इज ये बहुत ही ज़्यादा छाया हुआ है इन दिस ईयर, क्योंकि इसने पार्टिसिपेट किया है CUET के जो भी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर एंड दिस इज एन प्राइवेट बॉडी, प्राइवेट टाइप यूनिवर्सिटी। ओके, सो इसका क्या सारा सीन है, क्या इसमें एडमिशन प्रोसेस है, क्या इसका प्लेसमेंट है और कैसे इससे स्टूडेंट्स हैं परेशान, तो चलिए देख लेते हैं आज हम। तो यार ओवरऑल अगर अपन फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बात करें प्लेसमेंट की, तो आई थिंक जो है प्लेसमेंट वेबसाइट पे आपको कुछ इन लाख्स दे रखा होगा एंड जस्ट लाइक 13 लाख, 30 लाख, 15 लाख, 5 लाख, ठीक है 3 लाख, ऐसे ऐसे कुछ दे रखा होगा। आज अपन कुछ कंप्लीट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड कुछ मेजर कंपनीज कौन कौन सी यहाँ पे विजिट करती हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल कैसा है, टीचिंग कैसी है, इंटर्नशिप कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है, सारा का सारा डिटेल के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम देख लेते हैं। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन इनके बात करते हैं बिना किसी बकचोदी के, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिस इज ये लोग बोलते हैं कि जो है 40 एकड़ का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, मतलब वहाँ का जो माहौल है, बिल्डिंगें पे बिल्डिंगें खड़ी हुई है। कैसी बिल्डिंग है भैया, क्या बिट्स पिलानी के तरह बहुत ऑसम है क्या? नहीं यार, नॉर्मल जो है बिल्डिंगें खड़ी हुई है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने फॉर्म डाला था तो इसके रिगार्डिंग कुछ जो है इसके रिगार्डिंग मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी। तो जस्ट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर ओके ओके एंड बेसिकली यू ऑलवेज डिपेंड ऑन योर सेल्फ स्टडी, ठीक है। एंड जो है कैंपस के अंदर आई थिंक अभी तक तो वाईफाई लग गया होगा, ठीक है, एंड अभी इस मोमेंट पर लग गया आई थिंक वाईफाई। एंड जस्ट लाइक जो लेब वगैरह है ओल्ड लाइक पुराने ज़माने के, ठीक है, सारा सीन चल रहा था। एंड फैकल्टी की अगर अपन बात करें तो फैकल्टी का जो कंसर्न है दिस इज वेरी बैड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया कि भैया जो है एक एक टीचर जो है कम से कम 5-5 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, 5-5 सब्जेक्ट एक एक टीचर पढ़ा रहा है बिकॉज पैसा, ठीक है यार। इंडिया के अंदर ना चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कॉलेजेज हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहते। उनका मेन मोटिव यही होता है कि बच्चों को बस लूटें लूटें और ज़्यादा से ज़्यादा लूटें, हमारा प्रॉफिट हो बस, और टीचर कुछ पढ़ाए ना पढ़ाए इससे उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो एक टीचर को बुलाते हैं, हाँ भैया पढ़ा देगा, टीचर बेचारा क्या करे, ठीक है पढ़ा देंगे, उसको 5 सब्जेक्ट दे देते हैं, हाँ ले एरोडायनेमिक्स स्ट्रक्चर, ये प्रोग्रामिंग और ये एनवायरमेंटल साइंस और ये फिजिक्स, ये सारा का सारा तेरे को ही पढ़ाना है, टीचर कहता है ठीक है ठीक है, फिर वो प्रिपेयर करके आता है देन वो पढ़ाता है बिकॉज क्योंकि उसको सैलरी चाहिए। अब यूनिवर्सिटी यही चाहती है कि मेरा सारा का सारा काम जो है ना वो एक ही टीचर कर डाले, ठीक है, और किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। अब टीचर वहाँ पे आके बोलता है कि मैं तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो सिर्फ फिजिक्स आती है, ठीक है फिजिक्स आती है और मैं 1 लाख रुपये पर मंथ लूँगा कोटा की तरह, तो यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं जाओ जाओ हम दूसरा हायर कर लेंगे, बहुत सारे बेरोजगार लोग बैठे हैं इंडिया में। ये है रियलिटी इन द एजुकेशन इन इंडिया इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ कॉलेजेस। अभी तो ऑलमोस्ट जो है रेगुलर कोई भी कॉलेज रख ही नहीं रहा है टीचर, सारे के सारे क्या करें लेक्चर बेसिस पे उठा रहे हैं कि तुमने जितने ज़्यादा लेक्चर लगाए उतना ज़्यादा पैसा ले ले, अगर किसको कोई इंटरेस्ट नहीं है सब चारों निकलो, ठीक है दूसरा ले आएंगे हम, ये सारा का सारा सीन चल रहा है अभी यहाँ पर, राइट। अब थर्ड जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि भैया यहाँ पे जो है जो स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं होते, बिकॉज दिस एरिया फ्रॉम द मेरठ मुन्ना भैया है गेम चेंज, राइट। आपने मिर्जापुर वगैरह तो देखी होगी है ना, पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, देश को संभालो, समझे तुम लोग कुछ, तो मतलब आई थिंक ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट डाली थी कि भैया जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स होते हैं या फिर जो लफंगेबाज होते हैं या फिर जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, ऑलमोस्ट ये कंडीशन है सारी की सारी। और जस्ट यूनिवर्सिटी वाले भी क्या कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, अगर उनका भी बाप आ जाए, दादा आ जाए, MLA का कोई कुछ आ जाए तो फिर वो भी बैठ जाते हैं हेलो सर कैसे हैं आप लोग। तो कुछ स्टूडेंट्स की यार ये ज़्यादा नहीं होता अलाउ, लेकिन होता है जनरली,
ठीक है, ऐसे एरियाज के अंदर देखने को मिलता है, जैसे यूपी के अंदर तो स्पेशली दबंग ही रहते हैं, ठीक है, 5 स्कॉर्पियो लेके आ गए, ठहर गए हम चेंज, राइट। सो दिस इज़ द रियलिटी। अब अपन बात करते हैं कुछ जस्ट लाइक प्लेसमेंट वगैरह की। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है यार, प्लेसमेंट पहले बहुत पोर होता था, लेकिन जस्ट एक कंसिस्टेंसली जो है ना, इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे अगर आप कुछ गूगल वगैरह पे चेक करते थे तो 2018 का रेशियो कुछ अलग था, 19 में थोड़ा सा बढ़ा, 20 में थोड़ा सा बढ़ा, 21 में थोड़ा सा बढ़ा, राइट। सो मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एंड दिस इज़ एन न्यू टाइप, ही आप समझ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा पुराना कॉलेज ये है नहीं, ठीक है, न्यू कॉलेज है। लेकिन हाँ, अगर वैसे अपन देखें तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, गूगल भी बोलता है, ये खुद भी बोलता है कि हम जो है यूपी का, मेरठ का सबसे अच्छा कॉलेज है हमारा ये, ठीक है। एंड उनके बोलने से कुछ नहीं होता, आगे हम बढ़ते हैं, आगे का क्या सारा सीन है। एंड ये लोग ये भी बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की, जस्ट अगर हम जो है इनको फीस पे नहीं करते हैं, देन जो है हमें एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठने देते, क्लासें नहीं लगाने देते, एडमिट कार्ड नहीं देते, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही कम जो है इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इवेंट ओनली फॉर जस्ट एलुमिना वगैरह वाला, वो सिर्फ ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टूडेंट्स की जो लाइफ है कैंपस के अंदर, दिस इज़ वेरी कंसिस्टेंट है। टीचर जो है इनकी सारी की सारी जो नीडेड होती है, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होती है, उन पर फोकस नहीं किया जाता, स्टूडेंट्स को पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं है, राइट। एंड देर इज ए हॉस्पिटल फैसिलिटी, देर आर मेनी मेनी अट्रैक्टिव लोकेशन, द कॉलेज हैज ए वेल डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, द बिल्डिंग आर जस्ट लाइक रियली गुड, राइट। लेकिन जस्ट कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छा भी दिया है कि यहाँ पे जो है कुछ अच्छे टीचर भी है, NIT वगैरह से भी है, एंड जस्ट लाइक कुछ इसका MOU साइन भी है कुछ कुछ, लेकिन यार जस्ट बहुत सारे स्टूडेंट ने यह भी बोला कि यूपी का सबसे बेस्ट कॉलेज है, एंड यहाँ पे फ्री वाईफाई अवेलेबल है, राइट। क्योंकि अगर कोई कॉलेज इस मोमेंट पे अगर फ्री वाईफाई नहीं दे रहा है ना, तो जनाब वहाँ पे एडमिशन हो पाना बहुत मुश्किल काम है। तो जितने भी कॉलेज वाले लोग, अगर कोई इसको वीडियो को देख रहा है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि कॉलेज में स्पेशली वाईफाई तो ज़रूर लगा लो, ठीक है, तुम्हारा प्लेसमेंट हो या ना हो, लेकिन बच्चे रील्स बना के ना इंस्टाग्राम पे तुम्हारे कॉलेज के प्लेसमेंट से ज़्यादा पैसे ज़रूर कमा लेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो वाईफाई ज़रूर लगा लेना चाहिए कॉलेज वालों को, राइट। अब अपन बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है इसको बिलो एवरेज कॉलेज भी कहा है कि प्लेसमेंट आर ठीक ठाक होता है BTech के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि कोर बच्चे होते हैं, एंड जस्ट लाइक ओनली द नॉन टेक्निकल एंड मार्केटिंग कंपनीज कम हेयर, एंड जस्ट यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि हमारे पास टॉप MNCs कंपनीज आती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। एंड जस्ट कुछ स्टूडेंट ने ये बोला है कि यहाँ पे जो है जो बच्चे एवरेज होते हैं उनका कोई प्लेसमेंट नहीं होता, सिर्फ कोर का प्लेसमेंट होता है, एंड बेड फॉर स्टूडेंट विथ ए टेक्निकल बैकग्राउंड, राइट। क्योंकि स्पेशली इंडिया में कौन लोग जो हायर करते हैं सबसे ज़्यादा, मार्केटिंग वाले, राइट। सो जस्ट वैसा कुछ सीन नहीं है, एंड द कंपनीज विच कम टू दिस कॉलेज प्रोवाइड द वर्स्ट पैकेज पॉसिबल, यानी कि अच्छा पैकेज नहीं दे रहे, लेकिन हाँ कुछ ही कंडीशंस में, मतलब जो प्लेसमेंट आप देखते हो कि 30 लाख का मिला है, 15 लाख का 5 बच्चों को मिला है, 100 बच्चों को 5 लाख का मिला है, तो वो ज़्यादा बच्चों को नहीं मिल पाता, ठीक है। ये तो ऐसे लगा देते हैं कि भैया 100 बच्चों को इतने लाख का मिला है, दिस इज नॉट रियलिटी। इसी की नहीं बात कर रहा मैं, पूरे कॉलेजों की धज्जियाँ उड़ा रहा हूँ, ठीक है। एंड यार जस्ट अगर अपन वैसे देखें तो ट्रेनिंग सेशन वगैरह तो ऑलमोस्ट होता रहता है, लेकिन रियलिटी की अगर अपन बात करें तो यार बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि करीम होते हैं, और जो है उनको अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट हो जाता है, और यूनिवर्सिटी को भी जो है इसका जो दायित्व बनता है कि वो अच्छे से अच्छा बच्चों को प्लेस कराएं अच्छे अच्छे कॉलेजों में, ताकि जो है उसकी भी रैंकिंग इंप्रूव हो, नए नए एडमिशन आए, और कॉलेज को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को जो कॉलेजों का दिखा है वो है टीचर्स का, क्योंकि उनके पास प्रॉपर मैनर टीचर नहीं है। कोई टीचर अगर स्ट्रक्चर नाम का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लेकिन रियल के अंदर उसने कभी स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं है, वो जो है प्रोडक्शन का टीचर था। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस कॉलेजेस एंड दिस इंडिया, राइट। अगर अपन बात करें कुछ इसके मार्क्स की, कि अगर हम इसको जो है 10 out of कितने मार्क्स देंगे, तो यार बेसिकली जो है हम इसको देंगे 10 out of 5 मार्क्स, ठीक है। बिकॉज इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोकेशन वाला, क्योंकि इस बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा, सबसे ज़्यादा जो है यूपी के अंदर स्टूडेंट्स का जो भी बोलने की जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, गाली ज़्यादा आप सीख लोगे,
कम्युनिकेशन स्किल स्किल जो है बिल्कुल जीरो, लोवेस्ट, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। एंड वो जो है मुन्ना भैया वाला सीन, दिस इज वेरी बैड, ठीक है। उस जो लो जो लो एरिया है, स्पेशली मैं कॉलेज की नहीं बात कर रहा, आपका जो एनवायरनमेंट है वहाँ का, दिस इज वेरी बैड। और योगी जी है तो शायद कुछ हो सकता है, बिकॉज वो जहाँ पर विजिट करते हैं या फिर कोई भी विजिट करता है, ठीक है, तो 400 पुलिस की जगह 1200 पुलिस लगाता है वो पहले ही। ओके, सो जस्ट वहाँ पे जो है अगर आप एडमिशन लेते हैं, देन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। आप सबसे ज़्यादा गाली निकालेंगे, आपका बिहेवियर बहुत बुरा रहेगा, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो हमेशा उल्टी ही रहेगी, आप गलत ही सोचोगे हमेशा ही, राइट। सो ये कुछ जो है मेरे को डाटा रिसीव हुआ है फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड अदर प्लेटफॉर्म। एंड कुछ स्टूडेंट्स यार हैप्पी भी हैं यहाँ पे पढ़ के, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये कहा कि भैया जो है यहाँ पे ये बोल रखा है कि 40 एकड़ का कैंपस है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि पोअर प्लेसमेंट होता है एंड द नेम ऑफ द कंपनीज, इनफैक्ट दे चीट इन द नेम ऑफ प्लेसमेंट, राइट। एंड ड्यूरिंग एडमिशन दे प्रोमिस टू गिव 70-80% प्लेसमेंट, बट आफ्टर एडमिशन वन गेट टू नाउ द ट्रूथ, वेरी फ्यू कंपनीज विजिट फॉर द प्लेसमेंट विच विल ऑफर सैलरी लाइक 7-15 हज़ार रुपये पर मंथ दे रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ वेरी बैड एंड द क्वालिफाइड बट नॉट एलिजिबल फैकल्टी मेम्बर्स एंड जस्ट लाइक दे डोंट हैव टू एनी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और दे डोंट नाउ टू हाउ टू टीच एंड वाट दे डीमोटिवेट एंड वन रिगार्डिंग देयर जॉब्स एंड फ्यूचर एंड यूजलेस फैकल्टी मेम्बर्स नॉट हेल्पफुल एट रिगार्डिंग योर कंसर्न सब्जेक्ट, राइट। सो ये दिस इज वेरी बैड और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह टीचर वाला ही है, क्योंकि यह जो है एमटेक जो बच्चे करते हैं उनको कहीं जॉब मिलती नहीं है, तो ये क्या करते हैं उनको उठा लेते हैं 15-20 हज़ार रुपये दे के, भैया तू पढ़ा दे मेरे को, ठीक है, इनको पढ़ा दे, एक्सपीरियंस उनको कुछ होता नहीं है, न्यू टीचर ला के डाल देते हैं, ये लो पढ़ा दो 15-20 हज़ार रुपये तुम ले लो, ठीक है, पढ़ा के वो चला जाता है, उसको भी कुछ समझ नहीं आता, उसको क्या होता है, दो वक्त की रोटी चाहिए तो खाना खाने के लिए करना पड़ता है ये सब कुछ, राइट। सो दिस इज़ द रियलिटी। ओके गाइस, सो जस्ट यू कैन टेक एडमिशन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, एंड अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है देन आप एडमिशन नहीं ले, ठीक है। हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि आप एडमिशन ले या ना ले, ठीक है, आपको अच्छा लगे देन आप एडमिशन लीजिए, आपको अच्छा ना लगे देन आप एडमिशन मत लीजिए, लेकिन हमारा मेन मोटिव यही है कि स्टूडेंट को बताना कि अच्छा है कि बुरा है, राइट। सो अगर आप CUET के थ्रू जाना चाहते हैं देन आप बिल्कुल ना जाए, बिकॉज दिस इज़ वेरी वर्स्ट कॉलेज एंड हमारा जो है एडमिशन गारंटेड CUET एडमिशन प्रोग्राम चल रहा है, दिस इज फॉर ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस इन ऑल ओवर द इंडिया विथ टॉप 10-15 लाख प्लेसमेंट पैकेजेस विन टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉन्टेक्ट नाउ एंड फिल द गूगल फॉर्म एंड अदर मैनी मैनी थिंग्स। थैंक यू सो मच, खूब बढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।